हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जिसके आप मुझे जानते हो मेरे चैनल टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विमिंग बाय मनी, जिसका लिंक मैं टेक्निकल लवली मनी का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। आज की जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं, मैं गीता जयंती में अपना पर्सनल ओपिनियन देने वाला हूं कि मुझे कौन कौन सी चीज़ बढ़िया लगी। मुझे वैसे दो चीज़ बढ़िया लगी, वो मैं अभी वीडियो में दिखा दूंगा, ओवरऑल सारी वीडियो में। तो सबसे पहले कि पकौड़े बढ़िया लगे मुझे शॉप नंबर 725 के, ठीक है। दूसरे नंबर पर 3D प्रिंटिंग बढ़िया लगी, 3D पेंटिंग कौन सी 743 नंबर की, ठीक है। उस शॉप का मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ, मतलब कि कैसे कैसे वो रेसिपी बनाते हैं, कैसे कैसे वो मतलब कि उसमें क्या क्या डालते हैं, क्या खाने के बेनिफिट है। तो ओवरऑल मैंने मतलब कि दो दिन हो गए मैं पकौड़े खा रहा हूँ, वो ही बोले पकौड़े भी है और ओवरऑल उनका बहुत कुछ है, ठीक है। और 3D इमेज मैं कौन सी है उसका देखने का क्या बेनिफिट है, जो मेरा ओपिनियन है। बाकी आपको गीता जयंती में क्या बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में सिर्फ यही है कि मुझे गीता जयंती में क्या बेस्ट लगा, माई बेस्ट चीज़ क्या मतलब कि क्या लगी। शॉप नंबर आपकी कौन सी बेस्ट है मुझे बता देना कि आपको कौन सी सबसे बेस्ट लगी। हाँ, कईयों की तो सॉफ्टी होगी, मतलब कि जिन्होंने आइसक्रीम खाई है ना, कईयों को बहुत पसंद होती है। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले शॉप दिखाऊंगा, उसके बाद उसके पहले खाने पीने वाले दिखाएंगे, उसके बाद आपको 3D शॉप दिखाएंगे और उनका इंटरव्यू भी लेंगे कि कैसे उसका देखने का क्या बेनिफिट है, उसको कैसे देखना है, वो सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ है। वैसे मेरी कौन सी मुझे कौन सी बढ़िया लगी, खाने में कौन सी लगी और देखने में कौन सी बढ़िया लगी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉप दिखाऊंगा, नंबर है 725, ये देख सकते हो, फोकस कर दूं थोड़ा सा 725 के लिए देखिए, शॉप नंबर 725 है ये। अगर आप यहाँ आते हो उसके खाने के क्या क्या बेनिफिट है वैसे मैं बता देता हूँ, ओवरऑल काफ़ी बेनिफिट है। इसके प्राइस भी ज़्यादा मुझे लगी नहीं, ये वाला पकौड़ा मैंने खाया है, 2-3 बार खा चुका हूँ और ये पकौड़ा 10 रुपये का है, ठीक है। तो इसमें सारा कुछ ओवरऑल क्या है, क्या डलता है, क्या खाने के बेनिफिट है, प्लेयर्स को क्या खाने के बेनिफिट है, वो ओवरऑल हम सारा कुछ बताने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ये भैया आपको सारा बताएंगे। अभी ये थोड़ा बिजी है, ये अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो, ये वाला पकौड़ा है वो, जो ये नौदान का बना हुआ है, ये नौदान का बना हुआ है, ये इनका उपमा है, ठीक है। ये सारी मतलब की जो इन्फॉर्मेशन, जो भी ये खाने का डाइट बना रहे हो, ये दिखाना क्या है, ये क्या है, मोटे अनाज का पकौड़ा, मतलब कि ये पका हुआ है पर हाँ, तो ये इनकी चटनी रहती है। तो चलो अभी भैया से पूछते हैं ये कैसे क्या इसकी रेसिपी रहती है A to Z। तो भैया अभी थोड़े कस्टमर अटेंड कर ले, तो उसके बाद हम सारी डिटेल रहते हैं। और हाँ, ये बता देता हूँ कि एक तो ये है, तो फ्रेंड्स भैया अभी बिजी है, मैं एक चीज़ बता दूँ और कि अगर मेडिटेशन, अगर सपोज आपका मतलब कि फोकस कम है, मतलब कि आप किसी चीज़ को जल्दी सीख नहीं पाते या किसी चीज़ पर एक जगह ध्यान नहीं लगा पाते, उसके लिए मेरे पास एक शॉप है, मैं दिखाऊँगा। पूरी गीता जयंती में मुझे ये दो चीज़ें बेस्ट लगी है, तो आज की वीडियो सिर्फ दो चीज़ें बेस्ट ही कवर करूँगा मैं, मतलब कि जो मुझे बेस्ट लगी है, वो मतलब कि ऑफर लगा लो, जो कुछ मर्जी लगा लो, मैं वही चीज़ कवर करने वाला हूँ। एक तो ये पकौड़े की दुकान होगी, एक शॉप नंबर हैगी है 7 something कुछ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अभी दिखा दूँगा, इसी वीडियो में दिखा दूँगा। और अभी भैया से सारा कुछ पूछ लेते हैं, उसके बाद जो मेडिटेशन के लिए है, जो फोटो मैंने वीडियो में दिखाया भी है, आप काफ़ी वीडियो में दिखाया भी है, शॉप नंबर 68 है शायद, 68 है, पता नहीं कितनी है, मैं आपको दिखा दे दूँगा। अभी आपको शॉप भी दिखा दूँगा, नंबर भी बता दूँगा, जी 725 है। मतलब कि मैं जब वीडियो बनाने आता हूँ, कल मैंने खाया था पकौड़ा, कल एतवार था और कल की वीडियो 2.5 घंटे की थी, तो अभी मैं सारी रेसिपी इसकी बताएंगे। पर ये मैं ओवरऑल 2 दिन खाया है, इसको खा के एक तो एनर्जी भी आ जाती है, दूसरी बात कि इसमें मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी सेहत को नुकसान पहुँचाएगी, बेनिफिट के लिए बहुत कुछ है। जैसे चने की दाल होगी, इसमें ओट्स कहते हैं, पता नहीं क्या क्या हो गया। अभी भैया रेसिपी बताएंगे क्या क्या 9 चीज़ें जली हैं, उसका बेनिफिट क्या है। तो फ्रेंड्स अभी भैया सारी डिटेल देने वाले हैं कि इसमें क्या क्या डलता है और इसके खाने के क्या क्या बेनिफिट है और ये कौन कौन से खा सकते हैं, जैसे कईयों को शुगर होती है, खा सकते हैं या नहीं खा सकते, इसमें कितना ऑयल होता है और कौन सा ऑयल होता है, उनकी तेल कौन सा होता है, तो ये सारी डिटेल दिखा देंगे। मैं एक बार आपको पकौड़ा दिखा देता हूँ, ये पकौड़ा देना, तो आप डिटेल बता दो इनकी। ये पकौड़ा है वो जो 9 प्रकार का है, ठीक है। इसमें आपको दाल दिख भी रही होगी, ये दाल है, ठीक है। इसमें चटनी भी होती है, चटनी मैं दिखा दूंगा, फोकस बाद में करके दिखा दूंगा। तो भैया एक बार आप बताएं सारी इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवराज है, मैं कर्नाटक से आया हूँ। एक्चुअली हमने स्टॉल इसीलिए लगाया कि हमको गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक ने जो स्पॉन्सरशिप में दे के भेजा है, स्पॉन्सरशिप इसलिए भेज मिल रहा है कि हमने नेशनल लेवल पे मिलेट्स को प्रमोट करना चाहते हैं। मिलेट्स ये होता है, मिलेट्स एक धान होता है, आप जानते हो, आप हर दिन आपको देखते नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च मार सकते हो, सर्च आपको मिल जाएगा। हाँ, मिलेट्स एक धान होता है, जो आप रागी होता है, बाजरा होता है, ज्वार होता है, ये सारे चीज़ मिलेट्स है। मिलेट्स एक्चुअली हमारा इंटेंशन है कि मिलेट्स तो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि इसको यूज़ कैसा करना। जो भी पॉपुलर फूड्स होता है, जो चाउमीन खाते हैं आप, गोभी मंचूरी खाते हो, पकौड़े खाते हो, हम मिलेट्स को वो पॉपुलर फूड में हम मिक्स करके उसको लोग कैसा यूज़ करते हैं डेली यूज़ में बोल के, डेली लाइफ में बोल के हमारा इंटेंशन है, इसीलिए हम गवर्नमेंट से स्पॉन्सरशिप लेके इधर
कुरुक्षेत्र में गीता जयंती में आ रहे हैं पहली बार। अभी इसमें क्या क्या डाला हुआ है वो बताऊंगे आपकी, इसमें क्या क्या चीज़ क्या क्या डली है सर? इसमें सॉरी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कवर कर लेता हूँ। हाँ बोलो आप। इसमें 9 प्रकार के अनाज होती है सर, जो ऐसा चने का दाल होगा और रागी होगा, बाजरा होगा, ज्वार की दाल है जो अभी हाँ, बता रहे हैं। जो भी सारे मिलेट्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, सीरियल्स होते हैं, मतलब जो भी धान होती है 9 प्रकार के धान से बनती है। और इसमें गोभी, नो ऑनियन, नो गार्लिक, सॉरी बीच में बंद हो गया। तो ये वही चीज़ है, ये जेन्युइन चीज़ें हैं, मतलब कि ऑर्गेनिक है। ये नहीं है कि हाँ भी इसमें मसाला डाला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इन्होंने मसाले डाले हुए हैं वो कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद कर्नाटका से। वैसे ओवरऑल कर्नाटका से ही मसाले आते हैं मेरे ख्याल से ना। एक सिंपल से बात बताऊँ, हम 3000 किलोमीटर से सिर्फ पकौड़े भेजने नहीं आए। हाँ ये बात तो है, पकौड़े भेजने नहीं आए हम, प्रमोशन एक हमारा इंटेंशन है, हमारे जेन्युइन रीज़न है, इसीलिए हम आए। जो पॉपुलर फूड्स में हम मिलेट्स का यूज प्रमोशन करना चाहते हैं, यही हमारा इंटेंशन। तो फ्रेंड्स एक बात तो माननी पड़ेगी, ये बात कि भाई में दम तो है कि खा के आपको एक तो हेल्दी है, दूसरी बात टेस्टी भी है, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं कि मोमोज ज्यादा टेस्टी है, ये भी काफी टेस्टी है। आप मोमोज में आप रागी यूज कर सकते हो। हाँ मोमोज घर में नहीं बनाते, ये 10 रुपए के जाके खा लेते हैं। वैसे जो भी आप घर में बनाते हो, रोज रोटी खाते हो ना, रोटी में आप रागी का आटा यूज कर सकते हो। तो डोसा खाते हो, डोसा में रागी का आटा यूज। ओवरऑल देखा जाए तो बाइक का मेन यही है कि आप हेल्दी फूड खाओ और बढ़िया खाओ। और क्या कहते हैं हाँ, मिलेट्स मतलब क्या होता है? मिलेट्स मतलब वही धान होते हैं, एक चीज की धान होती है। अच्छा बढ़िया वाली दाल खाओ, कहाँ नहीं कहता, ठीक है। तो भाई ने ओवरऑल मैं मतलब कि शॉप नंबर 725 है, ठीक है। आप आओ टेस्ट करो। और हाँ इसमें मैं बता देता हूँ कि ये प्लेयर्स के लिए काफ़ी बेनिफिट है। मैंने जैसे पहले बताया ना कि मैं खुद, आपको पता है ना कि मैं स्विमर हूँ, तो चिंटू के लिए ये काफ़ी बढ़िया। मैं चिंटू को खिलाऊंगा, उसको कैसा लगता है, उसका ओपिनियन लेंगे, वो क्या कहता है इसके बारे में देखेंगे। वो 8 साल का है, 9 साल का, 10 साल का है, जो भी है। हाँ जी हाँ, ये इकोनॉमिकल है, 10 रुपीज़ ईच पीस है हमारे। हाँ। इसमें फायदे के बात नहीं है इसमें। तो 10 रुपये अगर पैसा कमा रहे तो हमें 50 में 2 बेचते थे सिर्फ। हाँ। 10 रुपये में है। तो फ्रेंड्स सही बात है भाई कि 10 रुपये में ये 2 बेच रहा है। क्वान्टिटी में भी देखा जाए तो सही है, 10 रुपये में। वैसे 3 मोमोज आते हैं और ये एक पोड़ा इतना हैवी है और इतना हेल्दी है। मैंने जैसे कल की वीडियो में बताया था, जो ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं अगर वो ज़्यादा मोमोज खा लगे पचा नहीं पाओगे, बाद में पकौड़े का कसूर नहीं निकालना। आप एक दिन में एक खाओ, अगर टेस्टी लगता है तो दूसरा खाओ, पर तीसरा नहीं खाना। तीसरा खा कर लूज मोशन लग जाएंगे। तीसरा खाना है थोड़ा घूम फिर के फिर खाओ, कंटिन्यू खाओगे तो दिक्कत भी हो सकती है। पर इसमें हाँ, 500 to 600 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। तो पता क्या होता है कि यहाँ के जो है काफ़ी जने बच्चे ऐसे हैं कि वो फास्ट फूड खाते हैं तो इतना हेल्दी उनका है नहीं। इतना हेल्दी खा के बाद में क्या होता है कि उनको लूज मोशन लग जाते, पचते नहीं है। बाद में क्या कहेंगे कि बाद में हमने वो पकौड़े खाए थे उसकी वजह से लूज मोशन लग गई। पर ये चीज़ गौर करा करो कि केवल हमेशा चीज़ नहीं ख़राब होती, केवल हम भी गलत होते हैं कि हम टेस्टी में ज़्यादा खा जाते हैं, ठीक है। टेस्टी में अगर आप नॉर्मल फिक्का पानी भी ज़्यादा पी लोगे वो भी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल जो काफ़ी टेस्टी है। तो चलो एक चीज़ और दिखानी है मुझे आपको, अगर आपका कंसंट्रेट कम रहता है कि अगर आप चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, आपका ध्यान बहुत भटकता है, उसके लिए भी मेरे पास एक चीज़ है। तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद भाई तेरा। और एक बार मैं आपको शॉप दिखा देता हूँ फिर से। 725, ठीक है। इसमें उपमा है, मैं ओवरऑल बताऊं कि ये हेल्दी है। ये उपमा है, इसमें भाई कह रहा है मशरूम है, पर मुझे दिख नहीं रहा मशरूम कहाँ है, पर होगा मतलब अच्छे से मिक्स किया होगा इन्होंने, ठीक है। अभी जो मैंने बताया वो ये पकोड़ा है, आपने ये पकोड़ा खाना है और मुझे रेटिंग देनी है इस पकौड़े को कि आपको खा के कैसा लगा। बाकी अगर आपको मिर्च पसंद है, वैसे मैंने खाई नहीं, अगर मिर्च पसंद है, ये फिक्की मिर्च होती है, काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो बाकी ओवरऑल ये क्या सिस्टम है इनका, ये वही चीज़ है, वही पकौड़ा है, ये मिक्स की हुई आइटम है। और हाँ इनकी जो चटनी है, ये चटनी भी हेल्दी होती है, ये कोकोनट से बनाते हैं, नारियल और मसाले टमाटो, ठीक है, कोकोनट टमाटो हल्दी ये सारा कुछ डलते हैं इसमें। मतलब कि इनका खुद नहीं है ये नमकीन, ये गलत झूठ दिखा रहे हैं, ये नमकीन तो ये कहीं में से ले लो आप। तो ये चटनी, इनकी 2 चटनी रहती हैं, इन 2 चटनी के साथ आप पकौड़ा खा के देखना, ऑसम लगेगा। गर्म खाना, ठंडा मत खाना, ठीक है। तो ये शॉप नंबर मैंने दिखा दिया, ये भाई है, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, भाई ने कार्ड सीधा कर दिया भाई अपना, ठीक है। तो भाई ने दिखाया, तो अब आपको मैं कॉन्सेंट्रेट वाला दिखा दूँ कि और किस चीज़ का शॉप दिखा दिया है। ये पर्सनल ओपिनियन, मुझे पूरा गीता जयंती में सिर्फ 2 शॉप में ज़्यादा बढ़िया लगा, एक तो कॉन्सेंट्रेट वाली जो मैं अभी दिखाऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है, और एक ये इसमें मैंने दूसरी बार पकौड़े खाए हुए और दूसरी बार आज मैंने ज़्यादा खा लिया, दिक्कत हो गई, अंडे खाने की जरूरत नहीं है। तो ये हेल्दी प्रोटीन है, मतलब कि इसमें प्रोटीन फाइबर आपको ओवरऑल सारा कुछ मिल जाएगा। इसमें 9 प्रकार की दाल थी और दाल भैया ने आपको सारी बता दी है, और ये कर्नाटका के इन्होंने मसाले यूज़ किए हैं। तो बाकी ओवरऑल आपको सारा पता लग ही गया होगा। तो चलो अब अगली शॉप दिखाता हूँ मैं। क्या बात है, आप बोल ले, अब तो आ गया, क्या बात है। हाँ सुन, क्या तो ये आएगी, ये लड़की कह रही थी ये टीवी पे आएगी, ये टीवी पे नहीं, ये यूट्यूब पे आएगी, ठीक है। तो
ये क्या बात कह के तू इधर आ गया, मेरी वाली साइड आ गया तू, क्या बात कह के आगे? अच्छा अपना नाम नहीं बताना तूने? मेरा नाम राहुल है। इसका नाम राहुल है और इसका नाम है, मैं कहता क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, गाना भी है, क्या बात है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको शॉप दिखाने वाला हूँ जो गीता जयंती में ओवरऑल जो मुझे सबसे बेस्ट दो शॉप लगी है। एक ये कर्नाटका वाले के पकौड़े स्वाद लगे, काफ़ी स्वाद लगे, तो इसलिए मैंने जो मुझे फेवरेट लगा, मेरा ओपिनियन देना, तो एक इनका मुझे सबसे बेस्ट पकौड़ा ही लगा और इनका डोसा भी है और काफ़ी आइटमें हैं। ठीक है, आप आके खाना, मुझे बताना कि आपको कौन सी आइटम सबसे बेस्ट लगी। और एक शॉप है जो कि कंसुलेट के लिए, अगर आप कंसुलेट नहीं कर पाते तो उस फोटो के कारण आप कंसुलेट कर पाओगे। क्या होता है, फोकस, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, अगर आपको फोकस करने की आदत नहीं है, तो आप उस की वजह से आप फोकस अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो चलो मैं अब उस शॉप पे लेके जा रहा हूँ। तो ये मेरा ओपिनियन है जो पूरा गीता जयंती में मुझे जो अच्छा लगा, अलग लगा। ठीक है, मतलब कि पिछले साल ये चीज़ नहीं थी, तो आज मैं वही चीज़ दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में जो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो चलो दिखा, 743 है ये दूसरी शॉप है जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 743 मुझे अच्छा क्लियर नहीं दिखता, 743 शॉप है ये। ठीक है, फोकस हो जा, ये देख सकते हो, देख सकते हो, दिख जा 743 शॉप है। और ये फोकस वाली मतलब कि शिनरी है, मतलब कि इन्होंने ये आर्ट तैयार किया हुआ है, ये सर है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने सारी वीडियो बना दिया। अब ये सर से ओपिनियन रहता है कि ये कैसे तैयार करते हैं, इसका बेनिफिट क्या क्या रहता है, ये सारी रहते हैं कि ये ओवरऑल मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगे। इस जो ये सीनरियाँ रहती हैं इसमें क्या रहता है कि मैं आपको बता दूँ कि ये एक चीज़ रहती है कि जिसमें अगर आप ऐसे करके फोकस करके देखते हो, उसके इसके ऐसे नॉर्मल किसी को कुछ नहीं दिखता। अगर आप एक से दो मिनट या एक मिनट के अंदर अंदर अगर आप देख पाते हो, वैसे मैं फोकस बहुत जल्दी कर लेता हूँ और मुझे बहुत जल्दी दिख जाती है। और भाई मैं बैग उतार देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, अभी सारी डिटेल दिखाएंगे, इसको कैसे देखना है, कैसे फोकस करना है, उसको देखने से क्या क्या बेनिफिट होता है, निगाह बढ़ती है, कम होती है, या फिर माइंड तेज होता है, या फिर क्या कहते हैं, एक फोकस करने की क्षमता कितनी तेज़ होती है। तो अभी ये कस्टमर अटेंड कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद हम दिखाते हैं। वैसे देखना कैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो अभी मैं इसमें बता देता हूँ क्या है इसमें। एक सेकंड मैं अभी दिखाता हूँ कि इसमें क्या है, बता देता हूँ अभी, मतलब कि ऐसे मुझे दिख नहीं रहा, मैं अभी फोकस करूँगा ना। ओके, तो फ्रेंड्स इस फोटो के अंदर शिवलिंग है, ठीक है, और उसके साइड में एक स्नेक भी है काफ़ी बड़ा सारा, तो ये फोकस करने से दिखता है। और ये 3D में एक 3D फोटो होती है, नॉर्मल नहीं दिखती है। और इसको आप जैसे जैसे पीछे लेके जाओगे, ये वैसे वैसे बड़ी होती जाएगी, सॉरी, जैसे जैसे आप पीछे लेके जाओगे वैसे वैसे बड़ी होती जाएगी। और इसके बैक में ये सारी डिटेल दी होती है। हाँ, तो अभी ये सर से पूछेंगे कि इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है और इसका देखने का क्या क्या बेनिफिट रहता है। ये आप देख सकते हो, इसमें कुछ लिखा है, थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ये आप चेक कर सकते हो, इंग्लिश हिंदी सारा कुछ लिखा हुआ है। तो पूरी गीता जयंती में मुझे ये दो शॉप्स बहुत खास लगी, ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाई है। ठीक है, तो इसमें जो मुझे सबसे बेस्ट लगी मैं वो भी बताऊंगा, और वो भी आप देख के देखना आके। ठीक है, जो मुझे सबसे बेस्ट फोटो लगी, जो इसमें सबसे बेस्ट फोटो लगी, ठीक है, मैं वो भी दिखाऊंगा। अभी सर थोड़ा बिजी है, देख सकते हो शॉप पे रश है, तो सिर्फ दो मिनट रुक जाओ और उसके बाद सारी डिटेल दिखाऊंगा। उसके अलावा मैं आपको ये सारी फोटो दिखा देता हूँ क्या क्या है। सीनरीज एंड पेंटिंग, क्या कहते हैं इसको, दिव्य दृष्टि के नाम से जाना जाता है, 3D पेंटिंग है। नहीं, वैसे इनको 3D पेंटिंग है। ओके, 3D पेंटिंग है ये, सर का हम इंटरव्यू बाद में लेंगे, पहले मैं आपको सारी दिखा देता हूँ। इन सब में अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, और वैसे आप इस पर अभी तो फोकस नहीं कर पाओगे, पर मैं ये सारी दिखा देता हूँ। देखने में सारी एक जैसी लगती है, पर इन सब में अलग अलग है, जैसे इसमें और इसमें सेम ही है, बाकी इसमें अलग मिलेगा, उसमें अलग मिलेगा, उसमें अलग मिलेगा, इसमें सभी में अलग अलग है। जो सर ने पकड़ा है इसमें ओम है, मैंने ये लगभग सारी देखी हुई है, और ओवरऑल ये सारी देखी हुई है। ये बैक में बड़ी भी है, जैसे अगर आप बड़ी लेते हो तो वो महंगी है। बड़ी कितने की है ये वाली? ये 5,000 की है, ये 300 रुपये की है, ये भी 300 की है, वो कितने की है? ये 600 रुपये की है, ये भी 600 की, ये भी 600 की है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये हाथ में पकड़ी है ये 300, ये 300 रुपये की है। ठीक है, तो अब पूछ लेंगे कि इसको पीछे बनाने का कारण क्या है, राज क्या है, और इसका बेनिफिट क्या क्या है। अभी सर कस्टमर अटेंड कर रहे हैं, अभी दो मिनट सर का हम टाइम ले लेंगे। और शॉप नंबर कितनी है? 743, ठीक है, 743 नंबर शॉप है। और पूरी गीता जयंती में मुझे ये दो शॉप सबसे बेस्ट लगी है, बाकी डांस कर करके छोड़ दिया मैंने, सिखा के छोड़ दिया। बाकी ओवरऑल ये मेरा था अपना ओपिनियन कि मुझे गीता जयंती में क्या खास लगा। बाकी कमेंट करके मुझे बताना कि आपको गीता जयंती में सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी, और मुझे ये ओवरऑल दो चीज़ें सबसे बेस्ट लगी, बताता हूँ क्या कारण था। पकौड़े हेल्दी होते हैं,
जो मैंने खाए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं खाने के ऊपर बड़ा ध्यान रखता हूँ कि अगर कोई फास्ट फूड है तो उसमें है सिर्फ टेस्ट टेस्ट ही देखना, उसमें ओवरऑल भी देखना है कि उसमें क्या क्या बेनिफिट है, ठीक है। और दूसरी बात, ये फ़ोटो मुझे मतलब कि बचपन में मैंने एक बार देखी थी, मेरे पास मुझे मतलब कि किसी ने गिफ्ट की थी, मतलब कि पापा को गिफ्ट की थी, तो उसमें था एक ओंकार थे, गुरु नानक देव जी थे। अगर आप नॉर्मल देखते हो गुरु नानक देव जी दिखेंगे, अगर आप फोकस करते हो तो एक ओंकार था जो जैसे जैसे आप पीछे करते हो वैसे वैसे 3D में बड़ा होता जाता है और 3D में एकदम एक क्लास दिखता है जब आप देखना सीख जाओगे। और अगर आप इसको रोज़ देखते हो आपके फोकस करने की क्षमता बहुत बढ़िया हो जाती है, मतलब कि अगर आप किसी एक चीज़ पे ध्यान नहीं लगा पाते तो वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। तो चलो अब सर का इंटरव्यू लेते हैं। ये 3D अभी मैंने सारा शूट लेके दोबारा डिलीट करके दोबारा किया, रीज़न पीछे घरवानी चल रही थी और उसका कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता। तो अभी क्या है इसका, देखने का क्या बेनिफिट है, आँखों को क्या बेनिफिट मिलता है और माइंड को क्या बेनिफिट मिलता है, इनमें जो इन्होंने 3D प्रिंटिंग बनाई हुई है इसमें बनाने में कितनी मेहनत लगती है, ओवरऑल हम सारा कुछ बताने वाले हैं। और उससे पहले मैंने शॉप तो दिखाई दी है, उसी के साथ साथ ये शॉप भी आप देख सकते हो। अगर आपको कोई हैवी वाला कड़ा पसंद है दिखाता हूँ, अगर आपने किसी का सिर सुर पाड़ने वैसे लौट नहीं है, हैवी कड़ा आपको बॉयज़ को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फैंसी कड़े हैं यहाँ, दो गोल्ड में मिल जाएगा और जिससे इस कड़े के अंदर गोल्ड की रिंग होता ना छल्ला सा, वो भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स पहले सर का ओपिनियन ले लेते हैं। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं। जी मेरा नाम प्रदीप कुमार है, प्रणाम, मैं प्रदीप कुमार है, मैं हापुड़ यूपी से आया हूँ। और एक ये 3D पेंटिंग है मेरे पास में जिन्हें दिव्य दृष्टि के नाम दिया हुआ है हमने और इसे लेकर हम यहाँ पर आए हैं। तो सर इनको देखने का क्या क्या बेनिफिट रहता है और इसके चार्जेस क्या क्या है, चार्जेस तो चलो मैं एंड में बताई दूंगा, वैसे मैंने स्टार्टिंग में बताई दी है, पर इनका देखने का क्या बेनिफिट होता है, क्या कहते हैं कि अगर हम इसको रोज़ देखते हैं क्या बेनिफिट है और इसमें प्राइस क्या रहते हैं, अगर बाई चांस गीता जयंती के बाद अगर हमने लेनी हो तो कहाँ से हमें मिल सकती है। जी सर, इसको देखने के फ़ायदे ये होते हैं कि जैसे हम थोड़ी देर तक इसके अंदर अपनी परछाई को देखना होता है, देखते देखते जैसे हमारा माइंड कॉन्सनट्रेट हो जाता है, माइंड के कॉन्सनट्रेशन के बाद में क्रॉस आई के द्वारा आप इसे देखते हैं, जब क्रॉस आई के द्वारा देखते हैं तो आपकी आंखों की एक्सरसाइज होती है, आपका कॉन्सनट्रेशन हटेगा, फोटो दिखनी बंद हो जाएगी, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि हमारा ध्यान हट गया है, आप फिर से अपने आप को कॉन्सनट्रेट करेंगे फिर से ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसी चीज़ को अगर आप रोजाना रिपीट करते हैं तो इससे धीरे धीरे आपकी कॉन्सनट्रेशन बढ़ती शुरू होती है और क्रॉस आई से देखने की वजह से आपकी आंखों की एक्सरसाइज होती है। जी तो सर जो इसमें है, एक मिनट भैया, हाँ यही है, आप सर्च मार लो, हाँ करो, ओके करो ना, मैं हाँ। तो जैसे ही आप इस पे कंसंट्रेट करते हो, एक तो आपकी कंसंट्रेट मतलब कि जो माइंड की क्षमता है वो बढ़ जाती है, आप किसी चीज़ पे फोकस आसानी से कर सकते हो, जैसे कि अगर आप पबजी खेलते हो आपको एनिमी नहीं देखते तो बहुत जल्दी दिखने लग जाएंगे, इसका बेनिफिट होगा, ठीक है। जैसे पबजी खेलते हो वैसे उसका भी सेम ही रहता है, ठीक है। और प्लेयर्स के लिए ये काफ़ी बढ़िया रहता है, जो प्लेयर करते पबजी खेलते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी गेम खेलते हैं उसमें बेनिफिट रहता है, उसमें भी एक्टिविटी होती रहती है आइज़ की और माइंड की, पर इसमें क्या रहता है कि इसमें आपका कंसंट्रेट बहुत बढ़िया हो जाता है। उसके बाद सर आपने फोटो के पीछे भी कुछ लिखा हुआ है वो दिखाना है एक बार, इनके पीछे भी इन्होंने कुछ डिटेल दी हुई है, इसके फायदे लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या क्या फायदे लिखे हुए हैं बताना, जो आपने अभी बताया वो सारा कुछ रजिस्ट्री के पीछे लिखा हुआ है, लगभग सारा लिखा हुआ है। और असली फायदे तो यूजर खुद बताएंगे जब यूज करेंगे इसे, क्योंकि ध्यान के फायदे तो अनलिमिटेड है, बिना ध्यान के बिना एकाग्रता के हम जीवन में आगे सफलता हासिल नहीं कर सकते। ये बात तो सही है कि अगर आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते तो मतलब मुश्किल है। आप सपोज करो आज कहते हैं कि आज हम आधा घंटा मूंगफली बेचेंगे, आज हम मूंगफली बेचेंगे, उसके बाद क्या होता है कि हम कहते हैं छोड़ भरे मूंगफली नहीं बेचनी, आज हम गच्चक बेच लेते हैं या नारियल बेच लेते हैं, ऐसा नहीं, फोकस करना कि हाँ भी एक चीज़ पे ध्यान लगाना, जैसे कि क्या होता है जैसे गोल करना है या फिर हमने ट्रॉफी जीतनी है, यही फोकस कहते हैं, इसी चीज़ को फोकस कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ करने से क्या होता है कि हमारी एक फोकस करने की क्षमता बढ़ जाती है। और दूसरी बात की क्या कहते हैं कि जब हम इसको देखते हैं तो आइस क्रॉस, जैसे भैया सर ने बताया ना अभी, आइस क्रॉस का कोई सिस्टम रहता है वो रहता है, बाकी ओवरऑल ये मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। बाकी आपका क्या ओपिनियन मुझे कमेंट में बताना, बाकी इस फोटो के पीछे क्या डिटेल लिखी है ये मैं बैक कैमरे से आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि जो इसके फोटो के बेनिफिट है, ये 3D प्रिंटिंग है, इसके बेनिफिट क्या है ये सारा कुछ A to Z पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इनके कॉन्टैक्ट है, अगर आपने परचेज करनी है या ऑनलाइन ऑर्डर करनी है, ऑनलाइन मिल जाती है सर जी, ऑनलाइन मिल जाएगी अगर आपने ऑर्डर करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको दिखा देता हूँ, ओवरऑल मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा कि अभी थोड़ी देर में कौन सा सबसे बेस्ट है। इस शॉप के साथ आपको ये शॉप भी मिल जाएगी अगर आपने कड़े लेने हैं, बड़े वाले कड़े लेने हैं, ये गोल्डन कलर की लाइन, ये चेक कर सकते हो, भैया दिखा रहे हैं, मेरे हेल्प कर रहे हैं, ठीक है।
ये जाएगी नहीं, कलर नहीं जाएगा ये चको। ठीक है, ये आपने अगर देखनी है तो आप देख सकते हो, अगर आपने कड़ा लेना वो भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स शॉप नंबर है 4743। ठीक है, और ये सर आपको यहीं मिलेंगे। अगर बाय चांस ये गीता जयंती खत्म हो जाती है उसके बाद आप वीडियो देख रहे हो तो उसके बाद सर कहाँ मिलेगी, पैनोरमा में? हाँ, उसके बाद पैनोरमा में आप संपर्क कर सकते हैं, आप पैनोरमा से संपर्क करके ले सकते हैं या हमारे एड्रेस से यूपी से ही मंगा सकते हैं, वहाँ से थोड़ा महंगा आएगा। तो फ्रेंड्स क्योंकि उसमें कोरियर करने की चार्जेस लग जाते हैं और भी काफ़ी होता है कि पैक पुक करना होता है तो उसमें चार्जेस लग जाते हैं तो इसलिए वो महंगा मिलते हैं। वैसे अगर आपने लेनी है पैनोरमा में भी आप संपर्क कर सकते हो। ये मैं इसको ऐसे इसलिए रख रखा हूँ क्योंकि अगर आप वीडियो के अंदर इसको वीडियो को स्टॉप करके फोकस कर सकते हो तो मुझे बताना कि आपको दिखा इसके अंदर क्या। ठीक है, अभी मैं आपको ओवरऑल दिखा देता हूँ शॉप का। सॉरी भैया, हाँ ये मेरी है सारी, ये देखो स्विमिंग पूल बनी है। हाँ बड़ी फोटो आ रही है वीडियो में। हाँ तो ये आप चेक कर सकते हो। सॉरी भैया, तो ये आप चेक कर सकते हो, ये शॉप है। ठीक है, यहाँ आपको बड़े बड़े कड़े भी मिल जाएंगे साथ के साथ, अगर आपने कड़े लेने हैं, लड़ाई नहीं करनी पर कड़े ले सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। और हाँ सॉरी, मैं अपनी तो पर्सनली बताना भूल गया, तो कौन सी बेस्ट थी मैं आपको बताता हूँ अपनी। मेरी पर्सनली मुझे एक गणेश जी की पसंद आई है और एक भगवान राम जी की। ठीक है, जो दोनों मुझे बहुत अच्छी लगी है, पर इसमें अगर आप गणेश जी, भगवान गणेश जी के देखते हो तो उसमें आपको ओवरऑल ऐसे है ना जैसे फूलों से बनाए गए हैं। ठीक है, अगर आप आते हो यहाँ जरूर देखना। ठीक है, और मैं इसको एक बार फोकस करके देख लेता हूँ। हाँ तो ये आप जैसे जैसे बड़ी करते जाओगे वैसे वैसे आपको दिखती जाएगी और वैसे 3D होती जाएगी। और नीचे माउस चूहे भी है नीचे, वो चूहे तो आपको वैसे भी दिख जाएंगे। ठीक है, पर ये 3D बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स आज की वीडियो का, चलो सर शुक्रिया आपका। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। ये थी दो शॉप्स जो मुझे गीता जयंती में पर्सनली बहुत बेस्ट लगी और मुझे अच्छी लगी। यहाँ पे दो चीज़ें क्यों खास लगी, कंसंट्रेट करना, जिसको कंसंट्रेट करना नहीं आता, जिसको मेडिटेशन करनी नहीं आती उसके लिए ये फ़ोटो सबसे बेस्ट है। ठीक है, इससे क्या होगा जब वो ये फ़ोटो में दिखने लग गया, अगर जिसका मतलब कि जिसको ध्यान नहीं लगाना आता उसको ये फ़ोटो देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बल्कि मैं तो इसको एक सेकंड में देख लेता हूँ, चुटकियों में देख लेता हूँ। वैसे जो पबजी प्लेयर है वो भी इसको जल्दी देख सकते हैं मेरे हिसाब से, मेरा मतलब की सोच नहीं ये है क्योंकि पबजी प्लेयर्स की थिंकिंग जो होती है ना, मतलब देखने की क्षमता होती है वो बहुत तेज होती है, वो बहुत जल्दी जज कर लेते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि कहाँ से बंदा देख रहा है, कहाँ पर बंदा भाग रहा है, कहाँ पर भाग रहा है, कहाँ पर हेडशॉट मारनी है, ये सारी ओवरऑल आपको पता चल जाती है। तो शॉप नंबर मैं आपको बता दूँ 725 और 743 नंबर शॉप, इनमें से आपको कौन सी चीज़ बेस्ट लगी, दोनों शॉप्स में आपको कौन सी चीज़ बेस्ट लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मेरी ओपिनियन यही था कि पूरी गीता जयंती में मुझे क्या खास लगा, मैंने अपना ओपिनियन दिया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपकी शॉप कौन सी बेस्ट थी और आपको गीता जयंती में प्रॉपर में क्या खास लगा। तो ये टेक्निकल लवली मनी स्विमिंग बाइक का लिंक आपने देख लिया है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।